हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक बनने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफी रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत बार लोगों ने कमेंट किया है। एक्चुअली कमेंट्स क्या आते रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि बैकग्राउंड को मात्र 30 सेकंड में कैसे चेंज करें। अब एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि फोटो को इस तरह से बनाए लाइक स्टूडियो की तरह बनाए इस वाले वीडियो के अंदर, और उसमें मैंने बताया था कि आपका बैकग्राउंड भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हेयर स्टाइल स्किन वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली उसके अंदर थोड़ी इमेज क्वालिटी है वो डाउन हो जाती थी। उसी के साथ साथ दोस्तों हमें क्या चाहिए कि हमें उसमें जो है अच्छी तरह से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो पाता, मल्टी कलर का बैकग्राउंड जो है अच्छी तरह से उसमें रिमूव नहीं हो पाता था। और उसी के साथ साथ दोस्तों क्या होता था कि उसमें अच्छी तरह से फेदर नहीं लगता था। उसी के साथ साथ दोस्तों हम उस इमेज को मतलब PNG में सेव करके, बैकग्राउंड चेंज हुई PNG को सेव करके कहीं पे भी किसी बैकग्राउंड में लगाना हो तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, अपनी इमेज को चाहे कितने भी कलरफुल हो, कितने भी मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड हो, उसको किस तरह से जो है कट करके एक अच्छी सी इमेज तैयार कर सकते हैं, PNG इमेज तैयार कर सकते हैं। कट करने का मतलब आपको कटिंग बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, विदाउट कटिंग के, विदाउट किसी एप्लीकेशन, विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी इमेज डालनी है, उसकी कटिंग ऑटोमेटिक होकर आएगी आपके सामने। वो जितनी भी जो बैकग्राउंड चेंजिंग है, बैकग्राउंड रिमूवल चीजें है वो ऑटोमेटिक रिमूव होकर आएगी। एक्चुअली प्रोसेस कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए लगभग सेम ही होता है दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज मोबाइल के जरिए, क्योंकि सभी के पास मोबाइल होता है, तो आप कैसे बैकग्राउंड को अपनी इमेज के जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज कर सकते हैं बहुत ही स्मूथली तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एकदम बिल्कुल राइटली वैसे बिल्कुल सही क्लियरिटी के साथ आपकी इमेज आए, और उसी के साथ दोस्तों आप उस इमेज में जो है काफी सारे इफेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर बिना कटिंग के आप अपने मल्टीपल कलर के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिलती रहे। यदि आपको वीडियो अच्छे तो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मेरा नाम शंकर, आप देख रहे हैं न्यूटेक इजी चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चलना होगा कहां पर, क्रोम ब्राउजर के अंदर। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, या फिर जो आप अदर ब्राउजर यूज करते हो वो जो है ब्राउजर यूज कर लीजिए। मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, कोई ऐप की जरूरत नहीं, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, विदाउट ऐप, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। चलिए चलते हैं अपने बैकग्राउंड के अंदर, सॉरी चलते हैं अपने फोन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर जो है खोला, ऊपर आपको ऊपर ध्यान रखिए ब्राउजर में, ऊपर ब्राउजर में आपको टाइप करना है remove.bg, या फिर गूगल पर लिख दीजिए remove.bg, और जो फर्स्ट ऑप्शन आता है उसे क्लिक कर लीजिए। मैं यहां पर लिखता हूं remove.bg। जैसे मैं remove.bg लिखता हूं, यहां पर देखिए इस तरह से वेबसाइट चलकर जो है ओपन होती है। एक्चुअली इस वेबसाइट में अभी कुछ एरर आए थे कुछ ही दिनों से, तो ये एक बार आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी जो है रिक्वेस्ट मांगेगी आपकी, जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी उसको, क्योंकि इसके टर्म्स कंडीशन पर कुछ दिनों तक बैन लग चुकी थी। अब देखिए ऑटोमेटिक जो ऑन हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट ए फोटो कर लेना है, चाहे कितने भी मल्टीपल कलर की बैकग्राउंड हो बिल्कुल चेंज हो जाए। मैं सिलेक्ट ए फोटो पर क्लिक कर देता हूँ, और गैलरी से मान लीजिए कोई भी आपकी इमेज हो, कोई भी फोटो हो, वो आप ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी फोटो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कोई खास इमेज है नहीं अभी, तो मान लीजिए मैं यहाँ से ब्राउज इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ब्राउज इमेज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको गैलरी में चले जाना है। यहाँ से देखिए गैलरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गैलरी में जैसे आप जाओगे तो इसमें जो इमेज होगी उनमें से हम कोई इमेज ले लेंगे। मान लीजिए ये तो सॉरी कैमरा इमेजेज ही है, हम इसके अंदर कुछ और इमेजेस देख लेते हैं। तो आपको एक इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, मान लीजिए ये वाली इमेज है, इस वाली इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है। ये ऑटोमेटिक जो है चल रही है, और इस तरह से देखिए जैसे ये प्रोसेस खत्म होती है 100% तक आपकी इमेज की कटिंग होकर रिमूव होकर बैकग्राउंड आ जाएगा, और आप उसे PNG में डाउनलोड कर सकते हैं। PNG में डाउनलोड करने का मतलब होता है कि उस बैकग्राउंड को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपकी इमेज के साथ आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो देखिए ऊपर जो इमेज थी वो बिना कटिंग की हुई थी, और नीचे जो इमेज है बिल्कुल स्मूथली कटिंग की हुई है, ये बहुत ही अच्छे से। अब चलिए इसका बैकग्राउंड भी चेंज करके हाथों हाथ आपको बता देते, वरना समझ नहीं पाओगे कि किस तरह से PNG क्या होता है। देखिए ये तो थी बिना बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाली मल्टीपल इसमें बैकग्राउंड का, और ये है बिना बैकग्राउंड वाले। देखिए कितनी स्मूथली कटिंग होकर आई है, और इसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, मैं अभी यहाँ पर होम पेज पर जाता हूँ। उसके लिए आप बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कोई भी पिक्सल आर्ट वगैरह ऐप ले लीजिए। मैं जो यूज करता हूँ उसका नाम है पिक्सल ऐप, जो कि काफी रिकमेंडेड है और बहुत ही ज्यादा बार ये चलता है। चलिए चलते हैं अपने पिक्सल ऐप में, वहां पर थोड़ा सा चेंज करके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए पिक्सल ऐप मैंने इस तरह से ओपन की,
और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बैकग्राउंड आपको चेंज करना है अपनी इमेज का, तो ये टेक्स्ट में डिलीट कर देता हूँ। तो कोई भी बैकग्राउंड ले लीजिए गैलरी वगैरह में से, या फिर आप कहीं से भी जो है बैकग्राउंड लेना चाहिए वहां से ले लीजिए। यहाँ पर इसके ऊपर आपको वो इमेज इनपुट कर देनी है जो आपको करनी है। मान लीजिए ये इमेज लिया, तो ये इमेज पीएनजी में आ गई, पीएनजी का मतलब ये कटिंग हो चुकी है। अब आप जैसे ही इस इमेज को लाओगे तो बैकग्राउंड साथ में नहीं आएगा। देखिए ये कितनी स्मूथली से आप जो है इमेज आ चुकी है और इसका अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अभी देखिए उसके साथ बैकग्राउंड नहीं आया, क्योंकि जो इमेज अभी डाउनलोड की थी वो वाली ये इमेज है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर जो है फ्रॉम गैलरी से चेंज करके कोई भी अपने मनपसंद बैकग्राउंड ले सकते हैं। अभी मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो मैं फिलहाल यहीं से रहने देने वाला हूँ। बाकी आप कलर से भी बैकग्राउंड बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे बैकग्राउंड है आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही मतलब इतनी अच्छी वेबसाइट है कि इसकी इमेज की क्लियरिटी भी बिल्कुल डाउन नहीं होने देती आपकी, और आपको एक स्मूथली कटिंग करके देती है विथ फेदर के साथ, और आपका बहुत ही अच्छी कटिंग करती है। बार बार से कमेंट आ रहे थे फोटोशॉप वाली वीडियो की भाई इसकी कटिंग करने में, नॉर्मल कटिंग करने में मुझे इतना टाइम लगता है, इसकी कटिंग करने में मुझे इतना टाइम लगता है, क्या करूं यार, जल्दी से 2 सेकंड में करने का तरीका बता दो, 30 सेकंड में करने का तरीका बता दो। इससे फास्ट वे आपको नहीं मिलेगा मल्टीपल कलर के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, इससे फास्ट तरीका, इससे तेज तरीका आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही आप हमारे स्क्रीन पर दिख रही है और क्लिप्स वीडियो भी देख सकते हैं, तो इन वीडियो को भी आप देख लीजिए। और उसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी प्यारी प्यारी दिल की बातें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।